हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कल मैंने कलर बार का न्यू लॉन्च हाइलाइटर का रिव्यू किया था। सो फ्रेंड्स, मैंने उसे मार्केट में लिया था क्योंकि कलर बार के मैं अक्सर प्रोडक्ट देखती हूँ तो वो मार्केट में ही आते हैं, तो पहले मार्केट में आते हैं शॉप पर मैंने देखा, तो ऑनलाइन नहीं आया था। तो कल मैंने ऑनलाइन चेक किया तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं इसका प्राइस है 850। ₹850 तो जो मैंने बताया था वो गलत नहीं था, ये 850 का ही है। ये छोटू सा है, 15 ml का। जब मैं ऑनलाइन गई तो मैंने देखा इसका प्राइस 15 ml का, 15 ml का ही प्राइस 1500 कर दिया गया है। तो मैंने कुछ गलत नहीं बताया था, अब क्यों किया गया मुझे नहीं पता। मैं कल शॉप पर भी गई तो शॉप पे पूछा तो बोली कि हाँ पता नहीं क्यों बढ़ा दिया गया है, क्या उसमें डिफरेंस किया गया। मैंने कहा डिफरेंस तो कुछ नहीं दिख रहा है, पैकिंग भी वही है और क्वांटिटी भी वही है 15 ml की, कुछ भी तो फिर बदलाव नहीं किया गया है। एक साथ इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा दिया कलर बार ने। तो अगर आपको लेना भी है तो मैं तो नहीं कहूँगी तो इतना एक्सपेंसिव लीजिए। हाँ, 850 का अभी शॉप पे अवेलेबल है, अगर बचा है तो जाकर ले सकते हैं जल्दी से। पहली बार है कि आपको शॉप पर अफोर्डेबल मिल जाएगा, ऑनलाइन महंगा मिलेगा। तो जल्दी जल्दी अगर लेना है तो ले सकते हैं, वरना इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर 1500 रुपये वेस्ट करिए अपना। और कलर बार पता नहीं क्या चाहता है कि वो पूरा हाई एंड ब्रांड में पहुंचता जा रहा है, 1200, 1500, 2600, मतलब कि बॉबी ब्राउन हो गया, जैसे कि साल्ट डिग्री हो गया और मैक हो गया, वही कैटेगरी में पहुंचना चाहता है शायद। तो अच्छा है, मैं नहीं कह रही हूँ कि अच्छा नहीं है, क्वांटिटी इतनी कम है। ऑनलाइन अगर आप ऑफलाइन आपको मिल जा रहा है अभी 850 का तो जाकर ले सकते हैं, नहीं तो इतना ज़रूरी नहीं है। 1500 बहुत ज़्यादा इसका प्राइस हो गया है। आपको मैंने प्राइस दिखा दिया, मैंने कोई गलत नहीं बताया था। सो फ्रेंड्स, तो ऑनलाइन जाकर चेक कर लीजिए, 1500 का हो गया है। अरे कन्फ्यूज़न में थे क्या कि मुझे क्या प्राइस रखना चाहिए? सो फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो बनाई। तो बाय फ्रेंड्स।